तो यार आज जो है ना दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना बजिस के बच्चे चेक कर लिए जाएं। तो यार यहाँ से तो मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही अभी तक, अंदर ही कैमरा डाल के पक्का पता चलेगा। ओए माशाल्लाह यार, कितने सारे अंडे, 2-3-4। लाओ भाई दे दो भाई, तुम्हारा खाना हो गया। ये देखो भाई, इसकी नई जगह बन गई है हमारे पास खाने की। यहाँ से ही डाल देते हैं, यहाँ से ही निकालते हैं। पूरी जाली फाड़ दी है यार इसने, पूरे पिंजरे की यकीन जानो। ऐसा दुख होता है मुझे इस पिंजरे को देख के, जगह जगह से टूट रहा है यार ये पिंजरा। और एक तरीके से हमें यार ये लॉस में पड़ गया फजूल का। हमने अच्छा खासा लिया था ये, पर बोलते हैं ना कि पैसे ज़ाया गए, क्योंकि देखो पूरा टूट रहा है यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आप लोगों ने पिंजरे की हालत देखी, इसकी क्या हो गई है यार। और इसकी हालत देखिए, ये बाहर गर्दन निकाल के यहाँ से खाती है। मैं तो सोचा अभी इसको यहाँ रख दिया करूँगा ऐसे, और ये ऐसे खाती रहेगी। ऐसे लग रहा है जैसे गायों के कुंडे बने हुए होते हैं और उनकी गर्दनें बाहर निकली हुई होती हैं और वो खा रहे होते हैं एक एक करके। बिल्कुल वैसा बन गया है पिंजरा। खैर सर भाई, ये पिंजरा हमारे लिए अनसेफ हो गया है। हम ना अब किसी पेयर को खोल के नहीं जा सकते। पहले तो यार मैं आज सोच रहा हूँ कि इसके यहाँ पर ना कोई चीज़ ढकूँ, नहीं तो किसी भी पेयर को खोलते हैं ना वो इससे यहाँ से अंदर घुस के लड़ जाती है। और पहले भी हमारी एक मुर्गी जो खुली हुई है वाइट ब्राउनी की माँ, ये इससे बुरी तरीके से लड़ चुकी है। तो हमें ख्याल करना पड़ेगा थोड़ा। आज मैं कुछ भी करके इसका कोई इंतज़ाम करता हूँ, कोई गत्ता अत्ता ढकूँ ताकि ये जो है ये कम्प्लीट हो, तो हमारी ये मुर्गी भी सेट रहे। तो यार आज मौसम जो है ना वो दोस्तों ठंडा हो चुका है, और अब लग रहा है कि ठंड आ गई है। क्योंकि दोस्तों आज अचानक ही हुआ है मौसम ऐसा कि ठंडी हवा चल रही है अच्छी खासी शदीद, और सुबह से जो हवा का प्रेशर है ना वो बहुत ही तेज़ है। बच्चे घर अभी पतंग उड़ा रहे हैं, वो देखें सामने। तो आज ठंड ना एक मज़ेदार हो गई है, मतलब एक बोलते हैं ना कि बहुत अच्छी मज़ेदार वाली वो वाली ठंड आ रही है। अब जो है मज़े आएंगे यार। पर यार हमारे जितने परिंदे ना उनको अब सेफ रखना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा। और अब मैं जल्दी खिला के इनको जल्दी ढकूंगा, ताकि अल्लाह ना करे यार ये किसी बीमारी के लपेट में नहीं आए, क्योंकि ठंड में जल्दी आते हैं बीमारी के लपेट में। बाकी भाई हमारे जो छोटा चेतन और इसकी वाइफ है, ये अभी तक तो सेट है, पर यार मुझे इसकी वाइफ पे यार थोड़ा बहुत ना वो हो रहा है, इस पे छुट्टी पे, कि ये ना मुझे थोड़ी सी बीमार लग रही है अभी भी। क्योंकि यार ये ना बहुत सुस्त है यार। एक तो चलो मान लें कि किसी की शख्सियत सुस्त होती है, पर यार ये बहुत ज़्यादा सुस्त है। देखें अभी भी सीधी खड़ी हुई एक जगह, ये देखें बहुत ज़्यादा सुस्त है यार। खैर से छोटा चेतन जो है वो हमारा भाई अल्लाह का करम है, काफ़ी सेट है। और अभी मैंने खाना डाला था, पर इन्होंने यार ज़्यादा शौक से खाया नहीं। अब मैं इनको थोड़ा बहुत दाना डालूंगा, देखूंगा। अगर ये दाना भी नहीं खाते तो यार हमें इनको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये बीमारी के लपेट में अभी भी हैं। अगर ये खाना नहीं खा पा रहे तो हमारे बाकी जो परिंदे हैं ना वो अनसेफ रहेंगे। तो इस वजह से मैं देखता हूँ, अगर ये करा इन्होंने सही से खा लिया तो ठीक है। तो यार वो देखो दोस्तों, हमारा कॉकटेल जो है वो फाइनली अंडे देने वाला है। भाई देखो यार, ये अभी ना मुंह में कोई घास टाइप की चीज़ वो अंदर ले जा रहा था हांडी के, पर मुझे देख के ना थोड़ा सा ये देखो, अब अभी भी मुझे देख के डर गया तो ऊपर चढ़ गया। और ये देखो मादी कैसे देख रही है मेरी तरफ। तो यार फाइनली हमारे पास जो है वो कॉकटेल के अंडे आने वाले हैं, और उसके बाद बच्चे आएंगे। और मादा जो है ना वो भी हांडी के अंदर झांक रही है, और नर जो है वो नेस्ट मटेरियल जमा कर रहा है ला ला के। तो यार ये बहुत अच्छी बात है, हमारे पास कॉकटेल के फाइनली अब बच्चे आएंगे। यार मुझे बहुत इंतज़ार है, और इनका अब सीजन शायद स्टार्ट हो गया, तो बस जल्दी से आ जाएँ। यार अभी तो तुम्हारे को मैंने दाना डाला था, सारा खा गए भाई। इनको मैंने अच्छा खासा दाना डाला था, और देखो माशाल्लाह से यार ये सारा खा गए। बेबी है ना इनका, क्योंकि ये तो ये इसका पेट भरने के चक्कर में बेचारे अपना पेट खाली कर देते हैं। चलो यार इनको और डाल दूँ मैं। ये लो भाई तुम्हारा दाना। तो यार मैंने छोटा डॉन और छोटी डॉन को जो है वो नहाने छोड़ दिया था, और देखो कितने प्यार से नहा रहे हैं यार, ये कितने क्यूट लग रहे हैं। तो वैसे भाई इन्हें तो जगह बहुत रात आ गई है, और जिस मुर्गा मुर्गी को मैं छोड़ रहा हूँ ना वो सब अब नहाने लग गए हैं, तो ये अच्छी बात है यार। और ये आज इस तरफ खुद आए थे, तो इस वजह से मैंने जल्दी से इनको फिर पकड़ के अंदर ही छोड़ दिया। मैं ना सही यार नहा लें, थोड़े सेट हो जाएंगे, और इसके बाद जो इनकी बारी है। तो यार आज जो है ना दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना बजिस के बच्चे चेक कर लिए जाएँ कि कितने बच्चे आए हैं और कहाँ हैं। क्योंकि यार उनकी आवाज़ नहीं आ रही, तो मुझे डर है अल्लाह ना करे यार कि वो अंदर ही ख़त्म ना हो गए हो। क्योंकि हमारे बजिस कॉलोनी में ना अच्छे खासे बजिस मेल है ना, तो मुझे डर लगता है कि वो कहीं मार ना दिया उनको। तो चलें यार अब चेक करते हैं कि हमारे पास इनके बच्चे आए भी हैं या नहीं। चलो भैया। तो यार कुर्सी को मैं यहाँ रख रहा हूँ, और अब चेक करते हैं कि हमारे बजिस के बच्चे आए या नहीं। फिलहाल यार ये आवाज़ तो आप लोगों को सुनाई दे रही होगी, इसकी छोटू जो है ना भूखा हो रहा है, वो खाना मांग रहा है बार बार।
तो यार यहाँ से तो मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही अभी तक, अंदर ही कैमरा डाल के पक्का पता चलेगा। ये देखो यार, एक तो ये सबसे मुश्किल है। चलो यार बिस्मिल्लाह करके दोस्तों, देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह करे हमें अच्छी खबर मिले। हाँ हाँ भाई, बच्चे देख रहा हूँ, बस चीखना मत। पहले यार सामने वाली हांडी में देखें। नहीं यार, वहाँ तो मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सिवाय परों के। इस हांडी में चेक करते हैं। माशाल्लाह यार, कितने सारे अंडे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और जो है अपना 10। दोस्तों 10 या 11 अंडे हैं। वाओ यार, इन्होंने बच्चे अच्छे को निकाले। तो यार इसमें मुझे बच्चे तो नजर नहीं आते हुए दिख रहे दोस्तों। अब यार इस हांडी में चेक करते हैं। तो भैया जी 1, 2, 3, 4 अंडे हैं। पर यार यहाँ ये जा रही थी अंदर, मुझे बच्चों की आवाज़ आ रही थी। बच्चे कहाँ गए? बच्चे किसी भी हांडी में नहीं है यार, ये कैसे हो सकता है यार? यार नीचे नीचे तो नहीं फेंक दिए गए? इसके अंदर भी नहीं है, इसमें भी। यार पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, जूम करके देखता हूँ। यार अंडे तो हैं और इसके अंदर नहीं। यार इसमें भी नहीं है, इसको देखो यार, डर ही नहीं लग रहा मेरे से। चलो तो यार, जिस आश्रय में मैं चढ़ा था, जिस खुशखबरी के चक्कर में मैं यहाँ तक आया था, वो है ही नहीं। बच्चे ही नहीं है दोस्तों। एक में पूरे के पूरे 11 या 12 अंडे रखे हुए हैं और एक में 4 अदद अंडे। 4 अंडे जो हैं वो दोस्तों हमारी शायद कहाँ है, ग्रीन वादी। यार कहाँ गई भाई, ऊपर है क्या? ये देखें, इसके हैं, ठीक है। और वो जो 12 अंडे हैं ना यार, उस वाली मटकी में, वो समझ से बाहर है यार। 12 अंडे हमारे पास पड़े हुए हैं और उन पे बैठ नहीं रहे। 12 अंडे मतलब यानी कि दो मादाओं ने एक साथ अंडे दिए हैं, क्योंकि एक मादा के अंडा नहीं हो सकते। दो मादाओं ने एक ही कुंडली में अंडे दे दिए हैं। अब ये लड़ रहे होंगे तो वो अंडे ख़राब कर दिए होंगे इन्होंने, निकाल नहीं रहे होंगे। यार 12 अंडे, मैं तो खुद हैरान हूँ उस वाली कुंडली में यार। पर हमारा जो बच्चों का ख्वाब था ना, चलो शायद हमारी गलत फहमी होगी, हमें इसकी आवाज़ आ रही होती होगी कबूतर की। हम समझ रहे थे कि शायद इसमें बच्चे आ गए, तो हमारे को गलत फहमी हुई होगी। क्योंकि अगर बच्चे होते भी दोस्तों, अगर मार भी दिए होते तब भी थोड़ा बहुत तो दिखता उनका कुछ, पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा अंदर, सिर्फ अंडों के और थोड़ा बहुत वो जो इनकी मिट्टी होती है उसके अलावा। चलो भाई, तो यार जो होना था नसीब में, जो था वो किसको पता होता है। हमें लग रहा था कि हमारे पास बजे इसके बच्चे आए हुए हैं, पर भाई नहीं आए हुए। पर यार मेरे एक चीज़ समझ नहीं आ रही दोस्तों, इनके बच्चे आए हुए थे यार, और ये चीज़ हमजा ने भी कंफर्म करी थी। हमजा तक को आवाज़ आ रही थी, अब पता नहीं वो इसकी आवाज़ थी, पर यार इसकी आवाज़ नहीं थी। उस वक्त तो बहुत छोटा था यार, पता नहीं यार, समझ से बाहर हो रहा। अब हमजा को भी मैं शेयर करूँगा यार बात, फिर उससे पूछूँगा कि तुम्हें क्या लगता है क्या सीन है। खैर से भाई, समझ से बाहर है। बाकी भाई हमने जो है इन दोनों को यहाँ छोड़ा हुआ था ताकि दोनों भाई नहा लें, पर भाई ये दोनों भाई ढीठ हैं बहुत यार। और ये तो बहुत बड़े वाला, ये बिल्कुल भी नहीं नहा रहा है, घुस ही नहीं रहा मिट्टी के अंदर। वो तो शायद फिर भी थोड़े बहुत पाँव वाँव मारा है, थोड़ा उसने मुंह मारा, खाया पिया इधर। पर भाई ये तो जब से लगा पड़ा है, और अब ये सुल्तान के हाथों ना ज़ाया भी होते होते बचा, क्योंकि सुल्तान इनके पास यहाँ खड़ा था, मैंने उसे खाने के लिए छोड़ा था। मैं जल्दी से भागता आया, फिर मैंने उसको बंद करा यहाँ से, तो बच गए तुम आज। तो भाई आज का लास्ट कपल हमने ये खोला था, अपना सबसे हैवी माशाल्लाह से बड़े वाला मुर्गा, वाइट पेपर हीरा, और जो है उसके साथ वाली मादी वाइट पेपर। तो माशाल्लाह यार कितने प्यारे लग रहे ना दोनों। बट यार ये अगर पेयरिंग कर लें सही से, तो यार इनके अंडे आना शुरू हो जाएं। हमारे पास अभी तक किसी के भी अंडे नहीं आ रहे अब, और जो ब्लैक छोटा डॉन है उसके भी अंडे रुक गए हैं। क्योंकि यार मादी जो है ना इसकी, वो मुझे थोड़ी सी हल्की लग रही है, कंडीशन डाउन लग रही है उसकी। क्यों है, वजह हो सकती है 10 वजहें। इनका पेटा फूल जाता है, उसके अंदर जो है वो गंद हो जाता है अक्सर जमा, तो वो निकालना पड़ता है। किस तरीके से निकलता है उसकी भी एक टेक्निक होती है सारी चीज़ों की। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि उसके कुछ मसला हुआ हुआ है, और वो मादी अंडे दे रही थी तो उसने भी अब रोक दिए। तो अब देखते हैं हमारे पास किसके अंडे कब आते हैं, कैसे आते हैं, तो इंतज़ार ही है। बाकी दोस्तों मौसम की सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है, ठंड आ गई है, तो तुम सबको भी विंटर मुबारक भाई। तो खैर से ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ। अभी ले दीजिएगा मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। तो भाई खाले इनको बंद करता हूँ, और इनके जो 12 अंडे ना भाई, वो तुम लोग कमेंट में बताओ आखिर वो किसके हैं भाई। 12 अंडे एक ही तोती के हैं या फिर दो तोती के, ये लाजमी मुझे बताओ।